केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकार कर रहे हैं। तमाम पंजाबी सिंगरों ने किसानों के सपोर्ट में गाने गाए हैं और अब सोशल मीडिया पर सामने आई नई तस्वीरों ने हिलाकर रख दिया है। सिंगर रुपिंदर हांडा किसानों के लिए रोटियां और ब्रेड पकौड़े बनाती हुई नजर आई। इसके पहले सपना चौधरी और उनके पति बीर साहू ने किसानों के लिए रोटियां बनाई थी। इन तस्वीरों और वीडियोज को खुद रुपिंदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। मालूम हो कि किसान कृषि कानूनों में संशोधन किए जाने की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं और इसी में उनका साथ निभाते हुए रुपिंदर हांडा की ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से सामने आई हैं। पोस्ट के कैप्शन में रुपिंदर ने लिखा, आज भी लंगर सेवा दे रहे हैं, वाहेगुरु भला करे। इन तस्वीरों और वीडियो में रुपिंदर को ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए बेसन फेंटने और फिर रोटियां बेलते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों और वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। बता दें कि पंजाबी सिंगर जहां अपने गानों से किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। बीते दिनों पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान में दिए। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। ठंड के मौसम में पंजाब के किसान और बुजुर्ग सिंधु बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में दिलजीत ने सर्दी में लोगों को गर्मी का एहसास कराने के लिए उनका ध्यान रखते हुए ये कदम उठाया था। तो इस वक्त तमाम लोग किसानों के समर्थन में हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन तमाम किसान समर्थकों ने किया है। इस वक्त तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें एम्बुलेंस और अस्पताल को मुक्त रखा गया है ताकि किसी को भी कोई इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत हो तो वो दी जा सके। फिलहाल कोरोना काल है और इस वक्त इस तरीके की घटना चौंकाने वाली है। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।